जबलपुर में हो रही एक शादी ने मध्य प्रदेश के दो शहरों में विवाद की स्थिति बना दी है। इंदौर की अंकिता राठौर और जबलपुर के हसनैन अंसारी से शादी करना चाहती है। जबलपुर में कोर्ट मैरिज का आवेदन जब वायरल हुआ तो लव जिहाद का आरोप लगने लगा और जबलपुर और इंदौर में आज दोनों समाज के लोगों ने थानों पर प्रदर्शन कर हंगामा कर दिया। उधर आज अंकिता ने जबलपुर कोर्ट में पेश होकर शादी पर हामी भरी और उसको अपने हाल पर छोड़ देने की गुहार लगाई। कोर्ट में और थानों के बाहर आज दिन भर दोनों शहरों में क्या क्या ड्रामा हुआ, देखिए हमारी रिपोर्ट में। मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए मुझे, मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया। पक्ष में तो नहीं है, माता पिता है, जेहद का मामला है। ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। इंदौर की अंकिता जबलपुर के हसनैन अंसारी से शादी करना चाहती हैं। अब ये बात पूरा प्रदेश जानता है। मामला लव जिहाद का बना तो विरोध भी शुरू हो गया। पहले तेलंगाना के बीजेपी विधायक ने मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले पर हस्तक्षेप करने को कहा। हिंदू संगठन ने विरोध जताया, लेकिन अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। जबलपुर कलेक्ट्रेट से मिली शादी के आदेश की कॉपी वायरल हो रही है। इधर इंदौर में खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हसनैन पर FIR दर्ज करवाने के लिए इंदौर में राठौर समाज के साथ ही हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदर्शन होना तो लाजमी ही था, लेकिन आप जरा माँ बाप का चेहरा देखिए जिनका रो रो कर बुरा हाल है। एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रही है। हमारी बेटी ऐसे कर रही है, इसलिए हमें प्लीज मौका दिया जाए, एक बार बस मौका दिया जाए, एक बार बस भगवान प्लीज, एक बार बस, एक बार। कोई पत्थर दिल का ही होगा जिसका दिल माँ की इस आवाज से पसीजा ना हो। आप पिता को भी देखिए जो बेबस होकर बस इतना कह पा रहा है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। बाकी एक बच्चा और कानून क्या कर सकता है, हम कोशिश करेंगे कि इसको देते हैं कि हमारे समर्थन में होना चाहिए, देश में ये चीजें नहीं होना चाहिए। बाकी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब जैसे कोशिश करेंगे है कि हम उसका वापस दिल देते हैं और हमारे पक्ष में आए। इस उम्र में अक्सर माँ बाप को अपनी औलादों से बहुत उम्मीद होती है। हर माँ बाप अपने बच्चे की धूमधाम से शादी की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यहाँ मामला क्योंकि लव जिहाद का है तो एक बेटी अपने माता पिता से ही लड़ने को उतारू हो चुकी है और अब आत्महत्या करने की भी धमकी दे रही है। मैं अंकिता राठौर आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है तो इसका जो पूरा इल्ज़ाम है इन सभी पर जाएगा। इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि अंकिता की मां ने लड़के से दुष्कर्म और ब्लैकमेल कर उससे 1.5 लाख रुपए वसूलने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इंदौर की अंकिता राठौर के एक कदम ने पूरे राठौर समाज को आग बबूला कर दिया है, क्योंकि पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो राठौर समाज और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में ग्रामीण SP कार्यालय का घेराव कर खूब प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। करी गई है अंकिता राठौर जो कि एक लव जिहाद के मामले में इंदौर से रहने वाली जो जबलपुर के एक हुसैनी के खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, उसके लिए हम हाथों में 2 दिन पहले आवेदन दे के आए थे। हमको आश्वासन दिया गया था ग्रामीण SP के द्वारा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए हम सब धरने में बैठे हुए हैं। हालांकि इस मामले पर इंदौर पुलिस भी बेबस नजर आ रही है, क्योंकि मामला इंदौर और जबलपुर यानी दो अलग अलग शहरों का जो है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि उसमें जांच होगी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के स्पष्ट निर्देश हैं कि उस संबंध में बिना कोर्ट के आदेश के अग्रिम सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एक शादी जिसने दो शहरों की पुलिस को हिलाकर रख दिया, हिंदू समाज और राठौर संगठन को सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर कर दिया, माँ को सरेआम आंसू बहाने पड़े और बुजुर्ग पिता कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। भले ही ऐसी शादी को न्याय की मूर्ति इजाजत देती हो, लेकिन अंकिता के माँ बाप का दिल इस शादी की इजाजत नहीं देता। देखना होगा कि इन 15 दिनों में युवक और युवती किस तरह का निर्णय लेती है।
क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे को उठाकर हिंदूवादी संगठन तो मोर्चा खोले हुए हैं और मामला मध्य प्रदेश के बाहर तक पहुंच गया है। देखना होगा कि 15 दिनों के बाद युवक युवती क्या फैसला लेते हैं और उनके फैसले का समाज पर या फिर हिंदूवादी संगठन किस तरीके से मुद्दा बनाते हैं। कैमरामैन रविंद्र सांत, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। जबलपुर में शादी का ये मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, मगर एक शादी में इस तरह से दो शहरों और एक राज्य के विधायक का कूदना ठीक नहीं है। जिस तरह से शादी में अड़ंगेबाजी हो रही है, उससे अब ये शादी होनी मुश्किल लग रही है। वैसे अब कोर्ट ही इस विवादित शादी पर अंतिम फैसला करेगी।